किसी ऐसी चीज की तलाश में हैं जो आपके बालों को गिरने से बचा दे। बालों की लंबाई को दुगनी तेजी से बढ़ाना स्टार्ट करें और बाल जल्दी सफ़ेद होने ना पाए। पतली चोटी आपकी मोटी हो जाए तो बस, आज आपके लिए एक ऐसी हर्बल रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके पहले बार के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। बाल एक दिन में जो 40-50 बाल टूट कर गिरते हैं ना दोस्तों, उनका गिरना उनका टूटना बिल्कुल ही रुक जाएगा। हाँ, 5-6 बाल हमारे टूट कर गिरते हैं तो वो तो साधारण सी बात है दोस्तों। जो बाल जड़ से कमज़ोर होते हैं वे टूटते हैं, परंतु उनकी जगह नए बाल आने लगते हैं। यदि नए बाल नहीं आ रहे हैं, बाल कमज़ोर हो गए हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। इस नेचुरल रेमेडी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा का। आपको यहाँ एलोवेरा की पत्ती में से जेल को निकालना है और फिर इस्तेमाल करना है। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से अपने बालों को और अपने स्किन को बचा कर रखें। इन्हीं केमिकल के कारण ही तो बाल ख़राब होने लगे हैं, उम्र से पहले सबके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, एलोवेरा का छिलका निकाल लेना है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, और उसके बाद चम्मच की सहायता से आप इसका सारा जेल निकाल लें। जिनके पास टाइम नहीं है वे डायरेक्ट पत्ती को दो हिस्सों में काट लें, अपने बालों की जड़ों पर हल्का हल्का सा मसाज करें ताकि ये एलोवेरा जेल आपके पूरे स्कैल्प पर लग जाए। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हमारे स्कैल्प में यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस संक्रमण को दूर करता है एलोवेरा। भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन ई होता है, और विटामिन ई तो हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए बहुत लाभकारी होता है। नेचुरल विटामिन ई का इस्तेमाल करें, नेचुरल विटामिन सी का इस्तेमाल करें। हम लोग बाज़ार से सिरम लेकर आते हैं विटामिन सी के, विटामिन ई के, तो क्यों ना हम एलोवेरा में ही पाए जाने वाले विटामिन सी और विटामिन ई का इस्तेमाल। वैसे तो इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन मिनरल की बात करूँ तो इसके छिलके में भी, इसके ऊपर के स्किन में भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, परंतु आज मैं केवल जेल का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। मैंने अपनी बहुत सी रेमेडी में इसके छिलके का भी इस्तेमाल दिखाया है आपको, तो घर पर ये प्लांट जरूर लगाएं, पोषक तत्वों से भरपूर है। एलोवेरा हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण रूसी डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। एक चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे करी लीव्स का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश पत्तियां हैं तो फ्रेश पत्ती का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मेरे घर पर एलोवेरा का भी प्लांट लगा है, करी लीव्स का भी लगा है। सभी मेडिसिनल प्लांट मैंने अपने घर पर गमलों में लगा कर रखे हैं, तो कुछ पौधों को गमले में ज़रूर लगा कर रखें। करी लीव्स का रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें। हरे धनिए की चटनी बनाते हैं ना, तो चटनी में 10-15 पत्तियों को ज़रूर डालना है करी लीव्स। अब इसमें मैंने डाला है 15 से 20 फ्रेश करी लीव्स को। करी लीव्स को मैं हमेशा सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखती हूँ। आप चाहें तो मार्केट से भी मीठे नीम की पत्तियों का पाउडर ले सकते हैं। करी लीव्स जो होती हैं दोस्तों, इसमें इतने पोषक तत्व तो होते हैं, कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है जो कि हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ करी लीव्स जो होती हैं हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाती हैं। इसका इस्तेमाल करने से खाने में भी इस्तेमाल करें और बालों में लगाने में भी इस्तेमाल करें। करी लीव्स का रोज़ के खाने में इस्तेमाल करें, साथ ही साथ बालों में लगाने के लिए करी लीव्स का तेल लगाएं। कई तरीके से हम इसे लगाते हैं, कभी कभी हेयर पैक में जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ, उसमें भी करी लीव्स का इस्तेमाल जरूर करें। प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करती हैं ये पत्तियाँ। एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करती है करी लीव्स। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत लाभकारी हैं। आप चाहें तो इसे छान लीजिए, या बिना छाने भी आप लोग ले सकते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ना तो एलोवेरा तो अपने आप में ही पिस जाता है अच्छे से, इसका जेल। और छन्नी से छान लिया है ताकि पत्ती के कहीं भी टुकड़े ना हो, नहीं तो आपके बालों में उलझेंगे। इस टॉनिक को पूरे स्कैल्प पर लगाएं, जड़ों पर लगाएं, आधे घंटे लगा कर रखें। आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। इस टॉनिक का इस्तेमाल सभी उम्र वाले कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है तब भी इसका इस्तेमाल करें, आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी सप्ताह में एक बार आपको इसे ज़रूर लगाना है। इससे बेस्ट कोई भी रेमेडी नहीं होगी दोस्तों। बहुत आसान है बनाना, लगाना आसान है, रिजल्ट 100% मिलेगा। बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, सूखापन है दोस्तों, तो एक चम्मच तेल ज़रूर डालें। आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, आप यहाँ पर नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमारे स्कैल्प को
ड्राइनेस होने से बचाता है, हमारे स्कैल्प से सूखेपन की समस्या को दूर करता है और बहुत हद तक हमारे बालों का टूटना गिरना रुक जाता है। तो पूरे स्कैल्प पर इसे लगाकर रखना है आपको, कम से कम आप इसे आधे घंटे जरूर रखेंगे। आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल काफ़ी हेल्दी हैं दोस्तों, और हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करती है। जितना हो सके आप प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं अपने स्किन की केयर की, बालों की केयर की, तो क्यों हम बाज़ार की चीज़ों का इस्तेमाल करें। क्योंकि बाज़ार की चीज़ों को लगाना आसान होता है, फटाफट लाए आप हेयर पैक का पैकेट और तुरंत बालों पर लगा लेते हैं। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, परंतु रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। वीक में एक बार अपने लिए इतना टाइम आप ज़रूर रखें कि आप बालों की इतनी अच्छी केयर कर पाएँ, क्योंकि आजकल लोग तेल नहीं लगाते हैं और तेल की कमी के कारण भी हेयर फॉल होता है। इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच नारियल का तेल डाल दिया है। आप कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। बालों को पोषण मिलेगा, इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी। करी लीव्स आपके बालों की जड़ों में, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, जिससे कि बाल जल्दी आपके सफ़ेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। हमारी उम्र हो गई है, हम 60 साल के हो रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तब तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ये। तो इस टॉनिक को एक कॉटन ले लीजिए, उसकी सहायता से पूरे रूट्स पर लगाइए। जो रिज़ल्ट मिलेगा ना, वो आपको खुश कर देगा। पूरे स्कैल्प पर लगाएं, बचे तो आप लंबाई पर भी इसे लगा सकते हैं। तो बालों की केयर ज़रूर करें, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हैं। तो सप्ताह में दो बार जब भी हम लोग हेयर वॉश करते हैं, हेयर वॉश के आधे घंटे पहले इस टॉनिक को लगाएं। एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं, आप उस जगह का नाम लिखिए और अपना नाम लिखिए कमेंट में, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो रेमेडी को ट्राई ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टिप्स थिएटर चैनल पर यदि पहली बार आए हैं दोस्तों, टिप्स थिएटर चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहती हूं दोस्तों, और मेरी रेमेडी आपको 100% रिजल्ट देगी, इसलिए आप इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें।